तो कैसा रहा मेरा कनाडा में पहला दिन, आइए देखते हैं। इस एक्साइटमेंट से भरे हुए व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे इंडिया के एक छोटे से शहर से दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी में आकर मेरा पहला दिन गया। इस दिन मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। पहले हम इंडियन स्ट्रीट गए और मैंने वहाँ जिंदगी के बेस्ट छोले भटूरे खाए। हाँ जी कनाडा में मुझे भी यकीन नहीं होता। फिर हमने भरी बारिश में अपने नए अपार्टमेंट में मूव किया और शाम होते ही मैं अकेला टोरंटो को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया। तो प्लीज एंड तक देखते रहिएगा, आई एम श्योर यू गोना एंजॉय इट। आज मेरा फर्स्ट दिन कनाडा है। अभी देखो बारिश हो रही है यहाँ पर, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आज के दिन हमने क्या करना है, जो ऊपर आपको मैंने सामान दिखाया है, आज हमने सारे सामान पैक करना है। मेरे भाई का जो सामान है, मेरे तो पहले से पैक था। आज हमने इस जगह से जहाँ पे अभी चिराग रह रहा था, यहाँ से मूव आउट करके अलग जगह पे जाना है, जिस जहाँ पे सिर्फ हम दोनों रहेंगे। अभी अभी के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, अभी मैं तैयार हुआ हूँ, अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं। चिराग यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक इंडियन फूड शॉप भी है जहाँ पे हम खाना खाएंगे अभी जाके, तो अभी बस वहीं पे जा रहे हैं। ये कह रहा है छोले भटूरे खिलाएंगे तेरे को आज यहाँ पे टोरंटो में कनाडा में, तो चलो देखते हैं कैसे यहाँ के छोले भटूरे कैसे टेस्टी भी होते हैं कि नहीं। चलो वहीं जा रहे हैं अभी। खड़ी कार जो हर्ष लड़का है उसकी कार है। तो अभी बस खाने के लिए जा रहे हैं, कुछ देखते हैं। कोई बात नहीं भाई, चलते रहना हल्का हल्का। क्या खिलाओगे भाई बोलो भाई। छोले भटूरे खाने चलते हैं। हाँ तो छोले भटूरे खाने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे होंगे। आपका खाना इंडिया जैसा होता है कि नहीं? अच्छा, मतलब दिल भर जाता है। तो अभी तक बहुत खूबसूरत लग रहा है कनाडा, बहुत खूबसूरत है। असल तुम्हें तो नॉर्मल लगता होगा सब कुछ, है ना? आज बढ़ चुकी है तो मुझे तो इंडिया से आके पता नहीं सब कुछ एक्साइटमेंट से इतना ज्यादा दोगुना चौगुना हो चुका है सब कुछ। तो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं इंडियन स्ट्रीट है कोई, ये यहाँ पे ज्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट्स ही हैं। तू व्लॉग ही बनाता रहा कर बस। कैसा लगा दो व्लॉग का वीडियो सच के आपको? सही कह रहा है, मुझे निकाल ले कैमरा को। तीनों से कोई कह रहे इंडियन स्ट्रीट है, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे एक मोती महल है, वहाँ पे खाने आया हूँ। मोती महल नाम का इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाते हैं। मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब जो मेरी डर था वो कम हो गया, एक्साइटमेंट बढ़ गई है मेरी ये सब कुछ देख के। बस मजा आ रहा है मुझे तो, मुझे और एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है कनाडा को। देखते हैं। और आज मूव आउट भी करना है हमने, आज असली रेंटल प्लेस पे जाना है जहाँ पे हम दोनों ने रहना है, मैंने और चिराग ने, वहां पे जाना है। तो वो भी आपको दिखाएंगे आगे कैसी जगह है वो और कैसे अपार्टमेंट है, पूरा पूरा टूर करवाएंगे आपको। बॉम्बे फैशन, अच्छा वहां पे शादी शुदी कपड़े मिलते होंगे। अच्छा सॉरी इंडियन सॉरी। और बाहर देखो गन्ने के जूस की रेडी लगाई हुई है इन्होंने। तो बताओ फिर कैसा लग रहा है कनाडा में आपको? बढ़िया। क्या मोती महल तू पुराना भाई? डोसा इडली, इडली की स्पेलिंग। इंडियन के बजाय गोरे लोग ज्यादा दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ खाओ, कभी आओ कभी खाओ। अब बस रेट लिस्ट सामने देख लो बस एक बार। हर तरह की मिठाई है यहाँ पे, ये देखो जलेबी जलेबी। चिराग तेरे काजू उतले, बताओ फिर भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। कैसा लग रहा है, कभी जिंदगी में सोचा था यहाँ जाएंगे? हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। ठीक है भाई, भाई हमारी गाड़ी कैसे लेकर आ गया मैं बता। कितना खर्चा आता है भाई कैश पे काम करके? मुझे तो वैसे असल में बहुत 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 बढ़िया लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था वैसे इतना ऐसा रेस्टोरेंट होगा यहाँ पे। इंडिया के हर चीज मिल जाती है खाने के लिए ना यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो अभी तक बहुत बढ़िया है कनाडा। क्या बोली, झूठ क्या बोलूँ? तुम आप ही आओगे यहाँ पे, अच्छे से खाना भी आपको इंडियन मिल रहा है यहाँ पे,
ठीक है अपनी लाइफ है। हाँ तो नहीं सही क्यों क्यों बस पहले पैसे नहीं बचता और तो हिसाब अपना अपना किसी का भाई आ जाता है ठीक है भाई ताने मिल रहे हैं हमें सुनने को आगे मेरे छोले भटूरे आ गया मेरे नान छोले छोले भटूरे बता टेस्ट करके इंडिया और इसमें फर्क तुमने आया तो पता लगा हमें तो भूल गया इंडिया का टेस्ट हर्ष भाई जी तेरे टेस्ट बड्स अभी टेस्ट बड्स अभी जिंदा है ठीक है बढ़िया मेरे रिएक्शन पे मत जाइएगा लेकिन छोले भटूरे वाकई में काफी लाजवाब थे भाई सेम इसका टेस्ट कर वही खा के देख क्या लिखा है नान खा के देख जब महेश नगर वाले सेम छोले छोले सेम है ना बढ़िया ना बहुत बढ़िया भाई देखो नंबर बोला बढ़िया भाई मेरे को बढ़िया लगे सेम है बिल्कुल सेम भाई ऐसा मौसम रहना चाहिए हमेशा मैं तो कहता हूँ तो आप लोग हैं बहुत गंदा मौसम है बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा क्यों गंदा क्यों घटिया मौसम है क्यों धूप निकलती है अच्छा लगता है अभी खाना वगैरह खा लिया अब जस्ट जल्दी से शायद यू होल लेंगे जो कि वो सामने जा रहा है उसको यू होल कहते हैं ये मूविंग ट्रक्स होते हैं जिसको आप यहाँ पे खरीद सकते हो रेंट कर सकते हो तो आज हमने शायद ये रेंट पे लेंगे आज और सामान सारा उसमें फिल करके मूव करेंगे अपने कोंडो की तरफ क्या हो गया भाई पता नहीं था अभी बिना मत लग गया ना तो अभी घर से निकल चुके हैं अभी ऊबर करवाइए ऊबर करवा के अभी यू होल उठाने जा रहे हैं ताकि सामान शिफ्ट कर सके उसमें बस अभी वो क्या रोड के बीच में खड़ा है पागल है वो है चाचा तो ये ऊपर आ चुकी हमारी अभी बस यू होल उठाने जा रहे हैं यू होल लेके वापस आएंगे फिर सामान लेके जाएंगे चलो भाई चलो चिराग है क्या चिराग है जी तो ये क्या कहती है चिराग ये तो फिर आपको पता ही है चिराग का ले दे रहा है अपने गुजरात वाले तो बोलते ही नहीं पंजाबी समझ ही मिलके वधिया लगा रहा थैंक यू सेम वाली हमने कौन से वाला है ये वाला क्या वो वाला है ये बहुत बड़ा है ये वाला बहुत बड़ा है ये हाँ वही कह रहा हूँ तो हमने करवा लिया है ये पिकअप ट्रक करवाया है शायद ये वाला पता नहीं ये वाला मुझे पता नहीं लग रहा मुझे वही लग रहा है वो वाला है ये तो बहुत बड़ा है भाई बहुत छोटा है बहुत बड़ा है अब बैठ चुके हम तो वही मैंने आते ही चलाया था बड़ा ट्रक ठोक काट ना दी कहीं पे भागल पहली बार चला रहा है ये ट्रक ठोक ना दे बस ये निकाल दे आप निकाल दो बाप देखते देख के चिराग देख के बेल्ट पहनूं मैं बेल्ट तो दो तीन घंटे लेट होगा फोन भी लगा दो घंटे वो भाई इसका जगह भी पता है कितनी चाहिए तो हमें ये कितने का पड़ा ये बोल $107 का पड़ा है उसमें से शायद 50 का ये होगा बाकी सिक्योरिटी थी ऑलमोस्ट 60-70 का पड़ जाएगा हमें चाहिए है मेरे को यकीन नहीं था इस पे अभी ठोकने वाला था तुम फाइनली पहुंच चुके हैं अपना ट्रक लेके तो बस अभी सामान वगैरह पैक करते हैं पैक अभी सामान क्या नहीं है पैक करके क्या है ही बड़ा इतना बड़ा तो सारे सामान की पैकिंग हो चुकी है सारा सामान पैक हो चुका है ये सारा चिराग का है ये मेरा बैग है सारे लेके जाना है वो सामान अब बस लोड करना है उस पर यूहो में
ठीक है भाई, ठीक है मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, मिल के कर लेंगे। ठीक है भाई, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सारा सामान था, लोड कर दिया हमारे चिराग के 3 लगेज, मेरे 3 लगेज, बाकी उसका सामान जिसने क्या 2-3 साल में बनाया यहाँ पे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ड्राइविंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर ड्राइविंग। ओके भाई, तो फाइनली यहाँ से निकल चुके हम। सर जी कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया भाई, बढ़िया। दोस्तों को छोड़ के बढ़िया लग रहा है? नहीं, उदास से दिल हो रही है। अच्छा, सफर था 2 साल का। हाँ, पर अब क्या करें, इन्हीं दोस्तों के साथ है। इसने पिछले 2 साल काटे हैं, मैं भी स्टार्टिंग करी थी भाई। हाँ, करियर की दुष्यंत के पास आया था मैं, बट अब दुख हो रहा है। कोई नहीं भाई, मिलेंगे दोबारा। यही है कनाडा के सफर जिनका रहते हो, फिर आप अलग हो जाते हो। बारिश तेज हो चुकी है, ऊपर से हम हाईवे चढ़ रहे हैं, और ये हाईवे पे चलाने वाला गाड़ी को पहली बार चलाने वाला ना, तो दूसरी बार इसको डर लगता है हाईवे पे चलाने पे। इसको अभी G2 लाइसेंस मिला है, अगर G2 लाइसेंस होता होगा कोई। वो देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, गाड़ी देखे जो बच्ची होगी, और ये हाईवे पे ऐड होने वाला है। डर लग रहा है देखो, हमारा बेचारा सामान इतनी तेज बारिश हुई, हमारा बेचारा सामान पीछे खराब हो गया, पूरी तरह सामान जो हमने पीछे रखा था हमारी है वो। आसमान कितना सुंदर लगता है यार, हर वक्त सामने देखो, हाईवे भी प्यारा है पर मुझे बादल में ज्यादा इंटरेस्ट है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा पहला दिन कनाडा में ऐसा गुजरेगा, मुझे तो बहुत 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 मजे आ रहे हैं। इतना कुछ कर लिया आज के दिन में, अभी पता नहीं हो गया क्या क्या करना है। सामने डाउनटाउन आ चुका है, शायद डाउनटाउन है ना, नहीं डाउनटाउन नहीं है, नॉर्थ चौक का डाउनटाउन। अच्छा, डाउनटाउन जैसा ही नॉर्थ चौक थोड़ा बढ़िया है। अरे चाइनीज लोगों का इलाका है सारा, ऐसे क्यों बोल रहा भाई, रेसिस्ट नहीं, जैसे यहाँ पे लोगों ने बांटे हुए, जैसे ब्रैम्पटन सारा अपना इंडियंस का हो गया। अच्छा अच्छा, ऐसे ब्लैक कम्युनिटी का हो गया सारा, इटोबी को, ये सारा चाइनीज लोगों ने कार कर रखा है। अच्छा, ये देख सारे चाइनीज मोस्टली चाइनीज कम्युनिटी वाले जा रहे हैं, ऐसे ही बोल रहा भाई। वैसे ना बिल्कुल मतलब चाइनीज बोल रहा है सारा, कोई नेपाली होगा उसको भी बोल दिया तूने चाइनीज। प्लीज बिल्डिंग हमने नया कर लिया है। कौन सी में? ये जो राइट साइड है। अच्छा, इनमें से एक अपार्टमेंट हमारा है, शेयरिंग में लिया अपना। हाँ, मतलब एक तो हमारा ही है। एरिया देखना पड़ेगा। हाँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है एरिया तो। ओके ओके, सो आई एम पार्किंग डाउन राइट हियर। या श्योर ब्रदर, थैंक यू सो मच। उसी की कॉल थी ये, जिसके साथ हम शेयर करेंगे अपार्टमेंट। तो वहाँ पे जो एंट्री गेट है वहाँ पे शायद कुछ की वगैरह लगेगी एंट्री करने के लिए, तो यार कह रहा है वहाँ पे दरवाजा खोलने के लिए कोई आने वाला है। पहले बैग उठाइए, ये बैग सूट जाएंगे। अब ये सामान बस शिफ्ट करते हैं अंदर अपार्टमेंट में, शायद मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि कैसा घर है कैसा नहीं। तो इनमें से एक अपार्टमेंट हमारा होगा, और ये है लोकेलिटी। तो ये सारा सामान रख दिया यहाँ पे, ये रहा सारा सामान और आ गया इस रूम में। तो ये है हमारा रूम, तो हम शेयर करेंगे एक कपल के साथ शेयर करेंगे। तो ये रहा यहाँ पे कबर्ड है, ये सारा सामान रखते हैं। बस अभी हम वापस जा रहे हैं उसी घर में, कल पूरी तरह मूविंग करेंगे। अभी सामान रखने आए थे, अभी वापस जा रहे हैं, चिराग को काम पे जा रहे हैं इसलिए। चलो अभी चलते हैं।